नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थाईलैंड वीजा फॉर इंडियंस। अगर आपको थाईलैंड जाना है और इंडिया से अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो आपको वीजा कौन सा मिलेगा, वीजा ऑन अराइवल मिलेगा या फिर आपको वीजा के लिए पहले से अप्लाई करना पड़ेगा। ए टू जेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्या क्या जरूरत होती है और क्या करना चाहिए आपको। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं आप लोगों से कम्युनिटी में पूछा था तो आप लोगों ने बोला कि हाँ वीजा के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले अगर आप इंडिया से फ्लाइट लेके अगर आप जा रहे हो थाईलैंड, तो थाईलैंड जैसे आप वहां पर लैंड करोगे वहां के एयरपोर्ट पर और एज अ टूरिस्ट अगर आप जा रहे हो, तो ये टूरिस्ट लोगों के लिए है कि अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो 15 दिनों के लिए जा रहे हो, 7 से 15 दिन के अंडर में ही वापस आपको आना है, तो वहां पर आपको तुरंत वीजा मिल जाएगा, वीजा ऑन अराइवल। लेकिन अगर आप एज अ टूरिस्ट जा रहे हो, अगर आपको 15 दिन से ज्यादा वहां पर रुकना है थाईलैंड में, मीन्स अगर आपको 17 दिन रुकना हो, 20 दिन रुकना हो, 1 महीने रुकना हो, 1.5 महीने रुकना हो या फिर 2 महीने रुकना हो, तो उस केस में आपको जब इंडिया में ही हो तो इंडिया में से ही पहले ही आपको वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको वीजा ऑन अराइवल की सुविधा नहीं मिलेगी। वीजा ऑन अराइवल की सुविधा अगर आप जा रहे हो 15 दिन के अंदर अंदर जा रहे हो, वापस भी आना उतने दिन के अंदर, तब आपको वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलेगी, चाहे आप फैमिली के साथ जाओ चाहे आप अकेले जाओ। लेकिन ये सुविधा ओनली ट्रैवल जो करने जा रहे हैं लोग, जो लोग टूरिस्ट हैं, उनको ही दी जाती है, ना कि उन लोगों को जो लोग वर्क के लिए वहां पर जाते हैं। वर्क के लिए जो लोग जाते हैं उनका वर्क वीजा लगता है, ये टूरिस्ट वीजा उनको नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं वहां पर, देखो अगर आप थाईलैंड जाते हो तो सबसे पहले वहां पर जाने के लिए आपके पास कैश 10,000 थाई बट होना चाहिए। अब 10,000 थाई बट कितना होता है उसको आप जो है कन्वर्ट कर लेना इंडियन करेंसी में। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो तो आपके पास 10,000 थाई बट होना चाहिए। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हो, अगर आपके साथ आपके मॉम डैड या फिर मतलब टोटल 3-4 लोग हैं, पूरी फैमिली वाले हैं, तो उस टाइम पर आपके पास कैश 20,000 थाई बट होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट समझो या जो भी रिक्वायरमेंट वहां की समझो, थाईलैंड जाने के लिए हर एक टूरिस्ट के पास इतना अमाउंट होना चाहिए, तभी वो थाईलैंड जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि देखो अब तो हमें जाना है 15-20 दिन से ऊपर के लिए, हमें 20 दिन रुकना है, 25 दिन रुकना है, तो वीजा के लिए तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इंडिया में रह के वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो उस टाइम पर आपको अपने दोनों तरफ की फ्लाइट बुकिंग दिखानी पड़ेगी, जाने का भी एंड रिटर्न वापस आने का भी फ्लाइट बुकिंग। या फिर अगर आप जाने का कर रहे हो तो वहां से आप कहीं किसी और कंट्री में जाना है तो वो फ्लाइट बुकिंग आपको दिखानी पड़ेगी। एंड उसके आगे अगर वहां के लिए आप अप्लाई करो वीजा के लिए, तो डेफिनेटली आपके पास जो है वहां का होटल बुकिंग होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐप आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जहां से आप फ्री में बुकिंग कर सकते हो किसी भी होटल का, तो वो आपको पहले पैसा पे नहीं करना होता है, उसे आप चाहो तो 2 मिनट 10 मिनट 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे पहले भी आप होटल बुकिंग कैंसिल कर सकते हो बिना पैसे पे किए। तो आप वैसे बुक कर सकते हो, तो होटल बुकिंग का बस आपको दिखाना है कि हाँ आप इस एड्रेस पर इस होटल में जा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप वीजा के लिए जब इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो कलरफुल फोटो तो आपको देना ही पड़ेगा, ये सब नॉर्मल है। बाकी पासपोर्ट आपका जो है 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए, 6 मंथ से कम की वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो वहां पर 6 मंथ या फिर 3 मंथ की वैलिडिटी रखते हैं कि पासपोर्ट आपका एक्सपायर जल्दी ना होने वाला हो। तो 3 मंथ एंड 6 मंथ से ऊपर की अगर वैलिडिटी रहती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, वीजा अप्लाई करेंगे तो जल्दी होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है। और वीजा कितने दिन में आ जाएगा ये भी बहुत ही लोगों का मतलब कि एक डाउट रहता है माइंड में कि भाई अगर मैं अप्लाई करता हूं तो कितने दिन में हमारा वीजा आ जाएगा। तो अगर आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो तो वीजा आपका 7 वर्किंग डेज में आ जाएगा, 7 दिन से 8 दिन चला जा सकता है, लेकिन 7 वर्किंग डेज में ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि 7 वर्किंग डेज में आपको थाईलैंड का वीजा मिल जाएगा। अब बात ये रही कि हम वीजा के लिए अप्लाई कैसे करें, तो आप VFS ग्लोबल सर्च कर लेना गूगल में एंड वहां से जाकर उस वेबसाइट पर जाना, वहां से आप किसी भी कंट्री का वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, खुद से किसी की भी इसमें जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा थाईलैंड जाने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, कितने रुपए होने चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, सारी डिटेल मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट क्या क्या। और हाँ एक चीज और, आइटिनरी अपनी तैयार कर लेना, किसी भी कंट्री में अगर एज अ टूरिस्ट हम जाते हैं तो आइटिनरी हमारे पास होना चाहिए। अब आइटिनरी का मतलब क्या होता है, आइटिनरी का मतलब होता है आपका ट्रैवल प्लान,
ट्रैवल प्लान का मतलब कौन सी डेट में आप कहाँ जाओगे, उसके बाद कहाँ जाओगे, उसके बाद कहाँ जाओगे, मीन्स अगर जिस दिन आप वहाँ एंटर होते हो तो उसके बाद अगले दिन आपको वहाँ रुकना है, होटल में रुकना है, दो तीन दिन आराम करना है, तो दो तीन दिन आपको आइटिनरी में लिखना पड़ेगा कि हाँ दो तीन दिन मैं रेस्ट करूंगा, उसके बाद तीन दिन के बाद मुझे यहाँ जाना है तो वो लोकेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यहाँ जाना है, मतलब कुल मिला जुला कर आप जितने दिन भी वहाँ रुकने वाले हो उसका आपको एक प्लान क्रिएट करना होगा कि हाँ मुझे इस दिन से यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ जाना है, पूरा आइटिनरी तैयार करना होगा, रूट मैप जैसे रूट बोलते हैं ना, अपना रूट तैयार करना होगा कि हाँ मुझे यहाँ इतने दिन रुकना है, यहाँ इतने दिन रुकना है, सारी डिटेल आइटिनरी अपना बनाकर पीडीएफ फाइल फिर उन्हें देना होगा या फिर पीडीएफ को प्रिंट करा के भी आपको देना होता है जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो, तो ये सारी रिक्वायरमेंट है अगर आप थाईलैंड का वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और हाँ चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस चैनल पर आपको वीजा एंड पासपोर्ट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है, और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि आप थाईलैंड का वीजा कैसे अप्लाई करें तो आप कमेंट्स अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा लोग करते हो तो मैं इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा कि आप थाईलैंड का वीजा कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।